कदम काल करते हुए बेल्जियम मेरेनोइज लैब्राडोर परेड करते हुए आप सभी के सामने ये उन्होंने स्टे कमांड दिया एंड लेफ्ट टर्न राइट टर्न ये सर्विस पोजीशन है। About turn, देखिए डॉग कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, इसके लिए इन्हें बहुत कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। रोज सुबह 3 घंटे की ट्रेनिंग और शाम को 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है। काफी मेहनत के बाद इनकी ट्रेनिंग में निखार आता है, जो आप देख रहे हैं इसका आनंद उठा रहे हैं। ये स्पेशली इन्हें परेड के लिए ट्रेन किया जाता है। 26 जनवरी 15 अगस्त और ऑफिशियल परेड में डॉग विल ओबीडियंस देखिए कदम से कदम मिलाते हुए ये जो डॉग्स आप देख रहे हैं ये हम लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार किए हुए हैं। बेल्जियम मेरिनोज बहुत ही हाइपर ब्रीड है, बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रीड है। प्रोटेक्शन वर्क के लिए, नोज वर्क के लिए, ट्रैकिंग वर्क के लिए इन डॉग्स का उपयोग किया जाता है। इन डॉग्स की पपी एज में 2 मंथ से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जो इनके मास्टर होते हैं वो इन्हें बचपन से ही ओबीडियंस ट्रेनिंग कराते हैं, साथ में इतना हार्ड वर्क कराया जाता है कि ये डॉग 9-9 घंटे कंटिन्यू काम कर सकते हैं। बेल्जियम मेरिनोज का वर्किंग पावर ऑल ब्रीड से बहुत ही अलग है। देखिए देखिए एक कमल फूल की तरह दिख रहा है, चारों तरफ डॉग है और बीच में एक डॉग सैल्यूट करते हुए। जो चारों तरफ डॉग है इसे कर रहे हैं इसे फ्रंट सैल्यूट कहा जाता है, और जो हाथ उठा के कर रहे हैं इसे बैक सैल्यूट कहा जाता है। ये बैक सैल्यूट है। देखिए परफेक्टनेस, कितनी परफेक्टनेस है ट्रेनिंग में, एक भी डॉग हिला नहीं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए, बहुत सुंदर। ये 7वीं बटालियन छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के डॉग्स हैं, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं देते हैं। ये शाबाशी दी गई उन्हें गुड वर्क के लिए, गुड जॉब के लिए। तालियां बजाइए बिल्कुल। K9
किसी भी पोजीशन में जब स्टे कमांड दिया जाता है डॉग वेल परफेक्ट होता है तभी ये ओबे कर पाता है। इस ट्रेनिंग को देखने से लगता है कि डॉग्स अपने मास्टर का कितना सम्मान करते हैं। अभी आपके सामने एक्सक्लूसिव सर्च का ट्रेनिंग दिखाया जाएगा। ये अभी भी जैसे किसी पब्लिक फंक्शन या किसी मंत्री के आने पे उस जगह को सर्च किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि वहाँ पर किसी ने बम तो प्लान नहीं किया है। हेलो कहाँ पर जोरदार तालियां। ये साइन बेस पे कमांड से इशारों से डॉग काम करते हैं, उनमें आवाज यूज नहीं की जाती, सिर्फ अपने मास्टर के साइन बेस पे डॉग काम करते हैं। जोरदार तालियां। ये स्लिप का कमांड है। ये फिनिश। किसी भी डॉग की ट्रेनिंग में आप डॉग को कितना भी सिखा लीजिए लेकिन हिल वर्क अगर परफेक्ट नहीं है डॉग का तो वो डॉग अनट्रेंड ही कहलाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड होता है हिल। हिल मतलब कि डॉग हैंडलर के या मास्टर के लेफ्ट साइड में कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ना ही आगे ना ही पीछे। देखिए नोज वर्क के लिए डॉग निकला है, इसमें एक्सक्लूसिव सर्च करना है उसे। बिना कुछ बोले इसका काम ही है एक्सक्लूसिव, जहां भी मिले वहां जाकर बैठ जाना है और अपने हैंडलर को इशारा देना है कि यहां पर एक्सक्लूसिव है। मुंबई बम कांड से पहले डॉग को सिखाया जाता था कि एक्सक्लूसिव के पास जाके बार्क करना है, लेकिन वहाँ गंगा नाम की फीमेल थी एक लैब्राडोर, जिसकी वहाँ पर एक्सक्लूसिव में ऐसा सिस्टम लगाया था कि डॉग भोंकते ही बम फट पड़ा था। तब से ये बंद कर दिया गया कि डॉग वहाँ बार्क नहीं करेगा, सिर्फ स्मेल मिलती डॉग सिट करके इशारा कर देगा वहाँ पर। गुड जॉब बंजारे जी हैंडलिंग कर रहे हैं इस डॉग को। गुड। अभी हैडल जंप फायर जंप
करेंगे डॉग्स। ये प्रैक्टिस इसलिए कराई जाती है कि जब डॉग सर्विस में होते हैं तब उन्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने में दिक्कत ना हो, इसलिए इनको ये सब प्रैक्टिस कराई जाती है, फायर जंप की, हैडल जंप की, हाई जंप की, लॉन्ग जंप की, ताकि कहीं भी वो जंगल में रहते हैं या सिटी में रहते हैं तो उनके सामने ऐसी दिक्कतें आए तो डॉग घबराए ना। नजदीक से पूरा नहीं आ रहा ना, इधर जल रहा है। बहुत ही सुंदर जंप, फायर स्टिक होल्ड करके जंप करना, बहुत ही गुड। बिना चेन के विदाउट लेस डॉग का काम करना बहुत ही प्रशंसाजनक है, बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है बेल्जियम मेलिनोज ने। बेमेतरा जिला से हैं बेल्जियम मेलिनोज, जिन्होंने अभी जंप करके दिखाया। परेड करते हुए डॉक्टर साहब का अभिवादन करते हुए थैंक यू डॉग स्क्वाड।